strong. हेलो गाइस, कैसे हो लोग? वेलकम बैक टू जकी हमारा यूट्यूब चैनल। तो यार आज मैं लोगों को कैसे इन्फिनिट फूड फॉर्म बना सकते हो। तो यार मैं जो है सर्वाइवल में नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने अलग वाले वर्ल्ड में बना रहा हूँ आपके लिए। तो उसके लिए आपको ये जो इतने भी सामान लगेगा गाइस, एक शल्कर बॉक्स में पूरा सीड्स और ये जो काम का सामान है, तो यहाँ से मैं थोड़ा बहुत स्टोन लेके रेड स्टोन पोटेटो जो भी आपको लगेगा वो आप ले लेना। जो जो आपको वीडियो में सामान दिख रहा है आपको वो लेना है गाइस। विदाउट डिस्पेंसर का फार्म है, ठीक है, जो काफ़ी हार्ड से बनता है कि डिस्पेंसर उसके बिना है गाइस, काफ़ी अच्छा फार्म है देखना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ना सेवन ब्लॉक कुछ ऐसे लगा देना, देन यहाँ से आपको सेवन ब्लॉक लगा, मतलब एक ब्लॉक लगाए तो आपको सिक्स ब्लॉक ऐसे कुछ लगा देना, ठीक है। एंड देन यहाँ से भी आपको पूरा मतलब जो है कवर कर देना है, ऐसे सेवन सेवन ब्लॉक्स का आप कितना भी बड़ा बना सकते हो, लेकिन अगर आप पे डिपेंड करता है जब आप डर्ट लगाओगे वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको एक ब्लॉक बढ़ा के इधर से भी आपको सेवन ब्लॉक बढ़ा देना है कुछ ऐसे जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। तो यार ये आपके आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना बड़ा बनाओ। तो यार ये मैं थोड़ा सा ही बड़ा बनाऊंगा क्योंकि मुझे वीडियो ज़्यादा लंबी करनी नहीं है, मुझे 16 मिनट्स की वीडियो आ जाएंगी शायद। तो ये फिर आप देखो, फिर यहाँ से भी सेवन सेवन ब्लॉक जो है मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। देन आपको ये वाला ब्लॉक भी गैस फिल कर देना है ऐसे करके। आप फिल मत करो, अगर आपके पास ब्लॉक कम होंगे तो आप मत करो, वैसे भी ये नीचे का खाली रहने वाला, फिर भी आप मुझे लगता है आप कर दो क्योंकि वो अच्छा लगेगा फिर। तो यहाँ से भी मैं फिल कर देता हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, ऐसे सारे साइड पे कंप्लीट करना। तो गैस मिलते हैं यार, तो यार मिलते हैं सब करने के बाद। ये देखो यार, अपने हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेयर जो है बना चुका हूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो चुकी है। तो ये देखो मैंने कम से कम 14 या 13 लेयर जो बनवा लिए। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ से दो ब्लॉक बढ़ा के सबसे पहले आपको दो ब्लॉक बनाना है विदाउट डिस्पेंसर का है गाइस, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ रहा है। तो आप दो ब्लॉक बढ़ा दो सबसे, एंड देन फिर आप वो सेकंड वाले ब्लॉक के ऊपर ऐसे ब्लॉक लगा दो। एंड देन यहाँ से आपको क्या करना है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा एल शेप बना देना, एक सेकंड में हो नहीं रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। अभी के लिए गाइस टेम्प्रेरी आप डिजाइन के लिए भी रख सकते हो वैसे तो। हाँ, तो ऐसा हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पे इन्फिनिट वाटर सोर्स बना लो, ठीक है। आपके लिए अगर आप सर्वाइवल में बना दो आपके लिए अच्छा होगा ये, तो अगर आप सर्वाइवल में बना दो तो आपके लिए अच्छा होगा। तो हाँ, एंड देन अभी आपको यहाँ से जो ऐसा कर देना है, ठीक है, जैसा भी आपको वीडियो में दिख रहा है वैसा कर देना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। इसको करना भूलेगा प्लीज़ कर दीजिए इसको, आप प्लीज़ मतलब आपको ऐसा करना ही पड़ेगा ना। तो यार ऐसा आपको कर देना है कुछ ऐसे जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। तो यार आपको गलत नहीं करना है, वरना जो आपका पानी का जो फ्लो आएगा वो आपका गलत हो जाएगा और आपके जो फूड्स है वो बाहर निकल जाएंगे, सही से नहीं आएंगे। तो ऐसा कुछ बना लेना है। तो मैं आपको एक बना के दिखा दूंगा अभी, तो फिर मैं जो सेकंड वाला है वो स्किप कर दूंगा, फिर हो जाने के बाद आपको दिखाऊंगा। तो यार आप लोगों से ना एक बंदे की कमेंट आई थी मुझे कि आप कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलो। तो हाँ गाइस, मैं पक्का खेलने वाला कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तो यार मोबाइल पे नहीं खेलने वाला, मैं इमुलेटर पे खेलने वाला, क्योंकि मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, मेरे पास अच्छा लैपटॉप ज़रूर है, तो मैं उस पर खेल लूँगा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तो आप ऐसा कर लो, जैसे आपको वीडियो देखा, मैं एक कर रहा हूँ, आप मैं सेकंड वाला पार्ट जो है वो गाइस मैं स्किप कर दूंगा बाद में। एंड देन अभी आपको यहाँ से एक ब्लॉक बढ़ाना है, ये सबसे मेन है जो अभी आपने देखा ना, इसलिए कहता हूँ स्किप मत कीजिए वीडियो को, अभी यहाँ से बढ़ा देना। तो यार मैं वो मिलता हूँ आपको करने के बाद। तो यार देखो मैंने पूरा सबको कर लिया है। एंड देन अभी सबसे मेन गाइस आपको यहाँ से ना एक ब्लॉक, एक सेकंड, हाँ आपने जो बनाया था उसका आपको एक ब्लॉक तोड़ देना है, क्योंकि शायद वो सिक्स ब्लॉक है, क्योंकि आपका जो वाटर है वो मतलब नीचे एक ब्लॉक नीचे जाना चाहिए ना, इसलिए, ठीक है। देन इतना जाने के बाद आपको क्या करना है, इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना रहा, अगर आप सर्वाइवल के लिए बनाते हो तो, अगर आप क्रिएटिव में बना रहे हो तो आपको जरूरत नहीं वैसे। तो मैं जो है अभी इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना रहा हूँ आपके लिए, मतलब मैं तो अभी इन्फिनाइट वाटर सोर्स यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रिएटिव में हूँ। तो आप कैसे बना लेना, देन यहाँ से एक आपको डालना है, देन यहाँ से ये आपका यहाँ से बीच के ब्लॉक से आप लेते रहना। देन अभी क्या करना है, आपको सारे एक एक ब्लॉक में एक एक वाटर पॉकेट डाल देना, ठीक है। तो क्या मैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए अलग अलग लेके आऊँ, क्योंकि यार ये वाला जो वर्क है वो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए काम तो करता है, लेकिन उसके लिए आपको डिस्पेंसर लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा उसमें। तो ऐसा आपको कर देना है कुछ ऐसे, देखो देखो मेक श्योर गाइस आपका पूरा पानी गायब हो जाए, और यहाँ पे आप आ जाओ फटाफट से। तो यार मेक श्योर आपको पानी गायब होना चाहिए। एंड देन अभी आपके मैं इन्फिनिट वाटर सोर्स को बंद कर देता हूँ अभी के लिए। हाँ, तो अभी क्या आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ से आपको ऐसा कुछ कर देना है, ठीक है। गाइस एक प्रॉब्लम हो गई ना, क्योंकि हमें एक ब्लॉक ऊपर चाहिए था, क्यों बताएगा गाइस, क्योंकि जब देखो हम जब वहाँ से पानी डाल रहे हैं ना, तब वो पानी जो है मतलब वो नीचे जा रहा है, लेकिन जब वहाँ पर आएगा ना तो वो गाइस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ से भी सेम प्रोसेस करना है, ऐसा आपको नहीं मतलब
आपको मेरे से करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेरा वीडियो देखना है, लाइक सब्सक्राइब कर देना है और मेरा जैसा कर लेना, फिर आपका हो जाएगा ठीक है। फिर यहाँ से ये वाला ब्लॉग आपको खुला छोड़ देना है ताकि जो आपको डर्ट है वो लगा सकते हो। एंड देन अभी आपको क्या करना है, यहाँ से पीछे जाना है और एक मतलब एक ब्लॉग जो बड़ा कर दो, पूरा रिपीट कर दो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके इन्फिनिट फूड फार्म के लिए। तो ये आपको करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और देन आपको इसको आपको तोड़ देना, मतलब आपने जो डुप्लीकेट लेयर बनाई थी ना उसको आपको तोड़ देना है, मतलब डुप्लीकेट वाली नहीं जो ओरिजिनल थी उसको आपको तोड़ देना है। देन आपको नीचे के ब्लॉक जो है वो फिल कर देना है ठीक है, जैसे। और मेक श्योर आप ऊपर से फिल ना कर दो, आपको एक ब्लॉक नीचे डिक करके हुए फिल करना है ठीक है। और यहाँ से आपको ट्रैप डोर से खुला रखना है ठीक है। फिर गैस मिलते हैं करने के बाद। तो यार अभी ना मैं आपको थोड़ा बहुत करके दिखाऊंगा। अभी ये देखो कुछ आपको बीच बीच का ब्लॉक तोड़ देते हैं, ये वाला ब्लॉक नहीं तोड़ना आपको, वैसा ही रख देना है। एंड देन अभी उसको आपको नीचे लगा देना, मतलब जो अभी मैं तोड़ रहा हूँ उसके नीचे आपको ब्लॉक लगा देना है। एक मैं करके दिखाऊंगा, फिर बाद में जो है आपको कर लेना है ऐसे, मतलब मैं स्किप कर लूँगा एक पार्ट। तो ये मैं आपको बताने के लिए आप कौन सा भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो गाइस। ऐसा नहीं कि आप स्टोन यूज़ करो, स्टोन ब्रिक्स स्मूथ स्टोन डर्ट से भी बना सकते हो पूरा। तो यार मिलते हैं यार ये सब करने के बाद। तो ये देखो ये वाली लाइन कंप्लीट हो चुकी है। और बीच बीच में जो ब्लॉक होंगे ना उसको आपको तोड़ देना, मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत मेरे ब्लॉक लगे ना तो मैं उसको लगा देता हूँ। एंड देन अभी ये हो चुका है अपना। एंड देन अभी आप मेक श्योर आपके ट्रैप डोर के दोनों साइड से जो है ये होना चाहिए। एंड देन आपको डर्ट प्लेस करना शुरू करना है ठीक है। आपको ये सबसे मेन है गाइस, आप जो ये दोनों जो कॉर्नर के ब्लॉक है वो आपको फिल नहीं करने गए, ये सबसे मैंने कहा आपको वो दोनों ब्लॉक बिल्कुल फिल नहीं करने, बिल्कुल ही फिल नहीं करने आपको ठीक है। तो यार मैं ये जो कर रहा हूँ और इधर मैं आपको बताऊँगा आपको कैसे करना है ये। तो ये ऐसा कर देना है आपको। और हाँ ये वाला जो है आपको एक ब्लॉक ब्रेक कर देना ताकि जो आपको वाटर है वो मतलब एक ब्लॉक पीछे रहेगा। तो यार ये मिलते हैं ऐसा करने के बाद। तो अभी के लिए मैं ये लेवल कम्प्लीट पूरी कर देता हूँ। तो ये देखो यार, हाँ तो ये देखो मेरा जो है वो हो चुका है, मतलब अभी हो ही रहा है फाइनल ईयर ऑन है मेरी। तो मैं फाइनल ईयर ऑन, तो ये हो चुका है। अब मैं बता रहा था कि क्यों, क्योंकि आप एक ब्लॉक अगर पीछे करोगे तो आपको ऐसा होगा। तो मैं गाइस आपको दोनों साइड से बताऊंगा, अगर आप ऐसे ही नॉर्मली रखोगे तो आपके साथ क्या होने वाला है। देखो आप यहाँ पे आपने यहाँ पे वाटर डाला, अभी आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा क्योंकि जब आपका वो ट्रैप डोर से पानी आएगा तो अगर वो यहाँ तक कम नहीं जाएगा तो आपको यहाँ पे मतलब इन्फिनिट सोर्स बन जाएगा ना, फिर वो हट नहीं सकता। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है। देखो अभी नहीं होगी प्रॉब्लम, अभी तो आराम से ज़्यादा। देखो आप ऐसे करके जब उसको कवर करोगे, मतलब देखो अभी ये हो गया और ये शायद गलत हो गया, एक मिनट। आप ऐसे करके जब कवर करोगे तो आपको यहाँ पे वाटर डालना पड़ेगा गाइस, तभी आपका जो है वर्क होने वाला है। देखो फिर तभी आपका जो है वर्क होने वाला है गाइस, वरना नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसा ही एक लेयर पूरी कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ से। एंड देन मैं आपको सेकंड वाली लेयर बताऊँगा जो आप एक ही वाटर बकेट से कर सकते हो बिना किसी टेंशन के साथ। तो वो आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताऊँगा। तो ऐसा कुछ सब कुछ कर लेना है आपको। तो यार मिलते हैं। और ये देखो एक साइड पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं सेकंड साइड आपको बताता हूँ। तो मतलब सेकंड साइड में आपको क्या करना है बताओ, वो जो आपको जो आपने जो एक ब्लॉक पे जो पानी डाला था ना वो आपको सारे साइड ने एक एक ब्लॉक ब्रेक कर देना, हो गया गाइस आपका काम। तो देखो आपको ऐसा कर देना है, एक ब्लॉक बढ़ा देना है यहाँ से। देन अभी के लिए आप इसको खुला रहने दो, अभी कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको यहाँ पे इन सबको डबल चेस्ट में कर देना है क्योंकि फूड काफ़ी सारा आने वाला है गाइस, फूड काफ़ी सारा आने वाला है। तो आप इन दोनों पे चेस्ट लगाओ, तो आपकी कोई टेंशन नहीं, वैसे पानी आ रहा है तो आ रहा है, वैसे आप यहाँ पे स्लैब प्लेस कर दो, इस प्रॉब्लम की तो बात है नहीं वैसे। तो यहाँ से भी क्या कर दो क्योंकि वो डर्ट तक पानी जो पहुँच रहा है, आप ये टेम्परेरी ब्लॉक छोड़ दो, वैसे भी आप रहने दो क्योंकि जो है डेकोरेशन के लिए अच्छा होने वाला है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, चेस्ट की तरफ फेस करते हुए आपको हॉपर लगा देना है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक हॉपर का ही बनाऊँ, मतलब आपके ज़्यादा आयरन वेस्ट ना जाए, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आपको जो ऐसा कर देना, गाइस मैं यहाँ पे तो नहीं कर सकता लेकिन कोई नहीं, अपन ऊपर से जो स्लैब लगा देंगे। देन अभी आपको यहाँ से ना कवर कर देना है ब्लॉक से, यहाँ से आपको आपको ना ब्लॉक से कवर करना है ताकि आपका फूड बाहर ना आए और वो हवा ऊपर में ही जाए, वरना अगर आप ऐसे खुला रख दोगे तो फिर यार अपना जो खाना है वो बाहर निकल जाएगा ना यार, ऐसा नहीं होगा ना। तो यार आपको ये दोनों दो ब्लॉक करके फिर कर देना है। एंड देन अभी आता है टाइम फॉर डेकोरेशन, मतलब डेकोरेशन अभी बाद में, फिर एक दो यहाँ पे छूटा हुआ था तो मैं यहाँ पे इसको फिल कर देता हूँ। ये देखो यहाँ से मैंने फिल कर दिया और ये अलग अभी फिल कर देते ना। हाँ तो अभी क्या, अब आता है गाइस सबसे मेन स्टेप, वो है गाइस इसी में क्या है अच्छा लग गया यार। अब ना अब आता है गाइस फाइनल टाइम फॉर रेड स्टोन। तो यहाँ से अपन ये कर देंगे थोड़ा बहुत ताकि जो अपना थोड़ा बहुत डिज़ाइन अच्छी लगे।
फाइनल टाइम फॉर गाइस रेडस्टोन का। आपको सबसे पहले इसके ऊपर चले जाना है ऐसे, एंड देन अभी आपको सारे के ऊपर आपको गाइस रेडस्टोन प्लेस करना है। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे करना है, इन्फिनिट वाटर में तोड़ देता हूँ अभी, इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो ऐसा आपको कर देना है, एंड देन आपको ये वाला नहीं गाइस, ये वाले ब्लॉक पे ऐसा कर देना है। एंड देन आपको गाइस माइनक्राफ्ट में क्या होता है, रेडस्टोन ज़्यादा दूर पोज में बताते, आपको गाइस रिपीटर लेना है और ये वाले सेट फेस करते हुए आप अगर जहाँ से आप रेडस्टोन लगा रहे हो वहाँ से आपको नहीं लगाना है, वो एक्टिवेट नहीं होने वाला। जहाँ से आप देखो अभी मान लो आपने यहाँ पे ऐसा कर दिया, आपको यहाँ से फिर फेस करते रहना क्योंकि आपका जो रेडस्टोन का जो लीवर है वो वहाँ से आने वाला ना, इसलिए देखो कुछ ऐसा जैसा आपको देख रहे हो तो यहाँ से फेस करते हो आपको लगा जाना है, देन के आपका काम हो जाएगा। तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। तो यार यहाँ से भी सेम रिपीटर, गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ रिपीटर लगाओ, क्योंकि अगर आपका रेडस्टोन इतना दूर मतलब कनेक्ट नहीं होगा तो फिर और ऑटोमेटिक फॉर्म तैयार कैसे होने वाला है, आपको वहाँ पर मतलब पास जाके खींचना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता है ना गाइज वो, इसलिए गाइज प्लीज़ आप रिपीटर लगा लेना गाइज। काफ़ी ज़्यादा मतलब इजी फार्म है, उतना हार्ड फार्म नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इजी फार्म नहीं है। तो ये फिर आप ऐसा कर देना है, तो यार अपनी फाइनल स्टेप ऑन है। तो अभी आपको यहाँ से कनेक्शन ऊपर आप कहाँ से भी ले सकते हो, आप बटन यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लीवर यूज़ करो, क्योंकि मैं एक सेकंड ऐसे लीवर ले लेता हूँ और यहाँ से मैं लीवर प्रेस करता हूँ, क्योंकि यार लीवर में काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। मैं जो है इसको तोड़ के जो है यहाँ पे लगा दूंगा, क्योंकि मेरी ये प्लेस अच्छी लग रही है। देखो जैसे मैंने पानी खींचा अब वो आया कि नहीं, ओ आया कि नहीं, ओके शायद हमें ऑफ़ करना पड़ेगा उसको, तो भी आने वाला है, क्योंकि जब एक बार पहुँचा देखो अब ऑफ हो गया। अब देखो वहाँ से पानी टहलते हुए आ रहा है गैस, तो ये रहा सिंह, ओ ये वाले तीन ट्रैक्टर खुले क्यों नहीं, ओके शायद कुछ प्रॉब्लम। ओ गैस मैंने कहा था ना वो माइनक्राफ्ट में रेडस्टोन, आपको यहाँ पर सिंपल से रेडस्टोन रिपीटर लगा देना है, अंदर भी आपका काम हो जाएगा। तो अब मैं सारे ट्रैक्टरों को ऑफ कर देता हूँ और उधर से चलते, देखो यार अपना सारा जो पानी है सीधा जो है हॉपर के साथ कनेक्ट हो रहा है, और ये करंट का अपने चेस्ट के साथ, तो ये आने वाले अपने चेस्ट में। और यहाँ से मैं जो है थोड़ा बहुत डेकोरेशन बना लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से क्या करना है, मैं स्टेयर्स लेता हूँ, स्टोन की स्टेयर्स जो होती है, स्टोन की स्टेयर्स का होती है भाई, स्टोन की स्टेयर भाई, हेलो स्टोन की स्टेयर का भाई, स्टोन की स्टेयर, हाँ ये रही आपकी स्टोन की स्टेयर। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक स्टेयर लगा देना है, ऐसा ऐसा शायद अच्छा नहीं होगा, मैं सोच रहा हूँ ना आप एक ऐसा वाला काम करो जो अभी मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको एक ब्लॉक लगा देना है यहाँ से भी, एंड यहाँ से और यहाँ से, ठीक है यहाँ से आप चर्च आने जाना कर सकते हो गाइस, वो भी काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ से जो है मैं वो बना लेता हूँ ऐसे, तो आप वहाँ से चेस्ट खोल सकते हो, वो चेस्ट ब्लॉक नहीं होने वाली, तो ऐसा कर देना है आपको। तो ये देखो ये हो चुका है अपना, ओ भाई साहब मेरे लैपटॉप की बैटरी लो हो गई भाई साहब, ऑन कर ले। हाँ तो यार ये देखो हो चुका है, ऑफ किया, अब सारा अब देखो वो सारा जो है वो मतलब आ रहा है वहाँ से, मतलब देखो अभी सारे ट्रैपडोर खुल चुके हैं। गाइस मैंने कहा था ना हमारे में सबसे इंपॉर्टेंट रेडस्टोन होता है, वो आपको समझना पड़ेगा, तो आप मेरा फॉलो कर लीजिए आपको आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैं लेता हूँ एक हो ले लेता हूँ गाइस, मैं नेदराइट की हो ले लेता हूँ, मैं स्टेयर्स का कोई काम नहीं उसको भेज देते। तो अभी आपको क्या करना है, मैं जो है थोड़ा बहुत सीड्स लेके आता हूँ, क्योंकि डर्ट अपने को ज़रूरत तो है ना, वैसे मैं इसके लिए लिया था क्या बोलते हैं फिल करने के लिए, तो मैं सब एक एक स्टैक ले लेता हूँ। आप सर्वाइवर में क्या करो, मेरा जो आपके मेरे पुराने वाले वीडियोज है ना गाइस, वो छोटा सा फार्म आप बना लो, उसमें से आप कलेक्ट कर लो, एंड देन फिर आप ये बना सकते हो। अगर आप क्रिएटिव में काम करते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से मैं बीटरूट वगैरह लेके आ चुका हूँ, अभी देन आपके क्या करते हैं, हो मार देना है, ठीक है, और सब में अगर पानी अपने आप पहुँच जाएगा, तो अभी आपको हो मार देना है कुछ ऐसे, तो मार देता हूँ फटाफट से। वैसे हो आप स्टोन से की भी यूज़ कर सकते हो, आयरन से भी यूज़ कर सकते हो, स्टोन से भी ऐसे नहीं कि आप नजर, तो यार मिलते हैं सब करने के बाद। तो अब वैसे प्रॉब्लम चुकी है, यहाँ से मैं थोड़ा बहुत टॉर्च ले रहा हूँ, क्योंकि अरे काफ़ी सारे बैट आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब वो अच्छा नहीं गया, कोई अलग ही आवाज़ निकल रहा। तो मैं यहाँ से देखो यार ये हो चुका है अपना पूरा कंप्लीट, तो यहाँ से देखो पूरा हो चुका है हमारा कंप्लीट। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कह ओ अरे यार गलती से खुल गया, कोई नहीं अभी यहाँ से अरे खा है भाई ये सब क्रिएटिव खास है भाई, कुछ भी क्रिएटिव में ज़रूरत ही नहीं पड़ती गैस खाने की। तो यहाँ से मैं जो है दो लेयर मतलब हर एक फूड की करूँगा, अभी मैं कैरेट कर रहा हूँ, तो मैं दो लेयर पहले कैरेट करूँगा, एंड देन फिर मैं दो लेयर वीट वगैरह करने के बाद मिलते हैं सब करने के बाद, तो यार मिलते हैं। तो यार ये देखो मैंने कर भी लिया पूरा, वाइज ग्रो भी हो चुका है गाइस, मैंने रैंडम टेक्स्ट जो है
वो जो बढ़ा दिए गन्स की लिंक, उसकी जो है कमांड वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको करके जो है मतलब वो बढ़ा सकते हो। तो यार ये हो चुका है, अब मैं आपको बताऊंगा ऑन करके देखूंगा। काफ़ी ज़्यादा इन्फाइनाइट फूड आने वाला है मेरे, काफ़ी बड़ा इन्फाइनाइट। तो गाइस द टाइम फॉर द मिस्ट्री, और गाइस हम लोगों ने इसको ऑन करके, ओ भाई साहब वो देखो यार अपना फूड भाई साहब सारा आ रहा है उस पानी के फ्लो की वजह से। देखो अभी तो आपको फूड नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी दिख जाएगा। देखो कितना सारा फूड आ रहा है गाइस, मतलब थोड़ा थोड़ा मेरा गेम जो बगी सा लैग हो रहा है, क्योंकि भाई इतना सारा फूड जो आ रहा है एक साथ। तो यार यहाँ से देखो अब सारा जो गैस, वो जो थोड़ा थोड़ा फूड जो बाहर जा रहा है उसका कोई टेंशन नहीं है गैस, वो मैं अगले वीडियो में फिक्स कर दूंगा। फिर वो वीडियो जरूर देखना। देखो भाई क्या अभी धीरे धीरे करके सारे देखो अपने तो आने, ओ भाई मेरे हाथ में बिठा कर मैं कटिंग नहीं करने वाला, मैं इसको ये रोक दूंगा ऐसे। तो अरे यार फिर से अभी शायद वो पर खुले अभी तक, तो इसको मैं रख देता हूँ गैस ऐसे। तो यार ये देखो ये थी आज की वीडियो, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो आपको प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, लाइक दे देना इस वीडियो को। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया यार, फॉलो करना मत भूलना यार, प्लीज़ फॉलो कर दो यार। ये दस वीडियो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मेक यू सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर टिल देन, बाय बाय या।